अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने बात करनी थी कि मैं ना यहाँ पर जा रहा था काम के लिए, तो थोड़ा सा दूर एक कैंप है, तो वहाँ पर हमारा काम चलता है हमारा कंपनी का। तो वहाँ पर जा रहे थे हम लोग, तो वहीं का व्यू था, तो इतनी ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं है तो, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग के लिए शेयर की है, तो चलो आप लोग भी मेरे साथ घूम लो। तो जी ना, 6 o'clock का टाइम था, इवनिंग टाइम का। वैसे तो इस टाइम छुट्टी होती है मेरी ड्यूटी से, लेकिन अगर काम हो तो फिर आपका जाना पड़ेगा, तो काम को हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ था कुछ में। तो इसके साथ ही ना मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा हुआ होगा, लेकिन 100% है कि आपने कभी ऐसा बात फील नहीं किया होगा। और मेरे साथ ही बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन मैंने इस बात को फील किया है ओनली 2 दिन पहले। तो बात ये है ना कि मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो हमारा कैंप से ना कुछ काम होते हैं कि वो 30 किलोमीटर दूर है, कोई 50 किलोमीटर दूर है, कोई 10 किलोमीटर दूर है, ना बहुत सारे काम चलते हैं ऐसे। तो हम लोग ना कुछ लगा लो कि 30 किलोमीटर वाली दूर काम के लिए गए थे तो फील्ड में। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए ना साइट के लिए, तो हम लोगों ने ना कुछ ग्लास को डाउन करके, तो कुछ मक्खियाँ थी गाड़ी के अंदर, तो हम लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया। कुछ एक तो मक्खियाँ थी, तो मैंने उसके बाद सोचा कि इनको हमने बाहर तो निकाल दिया, लेकिन हम लोग इसको लेके आए थे 30 किलोमीटर दूर से, मतलब जो हमारा कैंप है ना वहाँ से लेकर आए थे। तो इनकी भी फैमिली होगी ना, तो अगर ये 2-3 हमारे साथ आ गई तो इनके साथ वाली वहाँ पर होगी ना, तो जैसे हमारी फैमिली है तो उनकी भी फैमिली होती होगी। ये छोटी सी बात है, अगर बंदा समझता है तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है सबके लिए, लेकिन अब मैंने सोचा था तो मुझे बहुत फील हुआ था कि अभी ये घर से ये अपने अलग हो गए, तो अगर मेरे बस में होता तो मैं उनको पक्का लेकर आता, तो मैं उनको वहीं पर छोड़ता कि यहाँ से मैं उसको लेकर गया था। तो मुझे बहुत फील हुआ, और फिर मेरे माइंड में आया कि अगर अभी इनको मैं छोड़ तो दिया यहाँ पर, तो इनकी फैमिली दूर होगी, तो अभी इनको यहाँ पर ना न्यू फैमिली बनानी पड़ेगी। तो जैसे हम लोग हैं ना, तो हम लोग भी अपने घर से बाहर नहीं रह सकते। अगर घर से बाहर रहते हैं तो हम लोग कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ना, या फिर कभी ना कभी घर में वापस आ जाते हैं ना। तो ये जो होते हैं वर्ड्स होते हैं जहाँ इंसेक्ट्स होते हैं, तो इनका हम लोग कभी भी सोचते नहीं हैं। तो अगर हम सोचें तो इनकी भी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो ये मक्खी तो बहुत छोटी सी बात है, हम इसको कवर नहीं कर सकते, तो हम लोग इनकी इतनी केयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े हैं तो उनकी केयर किया करो, तो कभी भी हो सके तो इनको अलग नहीं होने दिया करो, इनकी फैमिली होती है। ये तो सब लोग ही समझदार हैं, अगर फिर भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे प्लीज बताना ज़रूर। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और अगर आपने फील किया हो ऐसा कुछ, तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ कमेंट करके। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक आप इसको एंजॉय करो। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।